अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेमन एंड पेथिस, रिटन बाय फैन किसन। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन का पार्ट 3। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गया है सीन 7, यानी कि सातवां मंजर। और इस मंजर में हम पढ़ेंगे कि आखिर पेथिस के साथ क्या हुआ, वो वापस क्यों नहीं आया अभी तक, और उसने वहाँ जाकर क्या किया है। नरेटर, अब जो किस्सा गो है, क्या कह रहा है। मेन वाइल, उसी लम्हे, व्हेन पेथिस रीच्ड द होम ऑफ हिज फैमिली, ही अरेंज्ड हिज बिजनेस अफेयर्स सो दैट हिज मदर एंड सिस्टर वुड बी एबल टू लिव कंफर्टेबली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर ईयर्स। क्या कहता है, कहता है कि जब पेथिस अपने ख़ानदान या घर वालों के पास पहुँचा, ही अरेंज्ड, उसने अपने जो हैं बिज़नेस अफेयर्स, जो कारोबारी मामलात हैं, उसको निपटाता है ताकि उसकी जो माँ और बहन है अपनी बाकी ज़िंदगी के जो साल हैं वो कंफर्टेबली आराम से गुजार सकें। देन ही सेड अ लास्ट फेयरवेल टू देम, फिर वो उन दोनों को आखिरी जो है अलविदा कहता है, यानी कि आखिरी खुदा हाफिज़ कहता है, बिफोर स्टार्टिंग बैक टू द सिटी, शहर वापस रवाना होने से पहले। मदर, अब माँ पेथिस की क्या कह रही है, इन टीयर्स, टीयर्स आंसुओं के साथ रोते हुए, यानी कि कह रही हैं पेथिस, इट विल टेक यू 2 डेज टू गेट बैक, कहती है कि तुम्हें वापस जाने में जो है ना 2 दिन लगेंगे, स्टे अनदर डे, कहती है कि एक दिन और रुक जाओ। माँ है ना, तो उनका दिल नहीं कर रहा कि बेटा दूर जाए, और पता भी है कि बेटा मरने जा रहा है। कहती है आई बेग यू, कहती है मैं तुम्हारी जो है ना मिन्नत करती हूँ कि तुम एक दिन और रुक जाओ। तो पेथिस अब क्या कह रहा है, आई डेयर नॉट स्टे लॉन्गर, कहता है कि माँ मैं ज़्यादा देर ठहरने की जरूरत नहीं कर सकता। मदर, माँ, रिमेंबर, याद रखो, डेमन इज़ लॉक्ड अप इन माई प्रिजन सेल वाइल आई एम गोन, कहता आप ये बात याद रखें कि डेमन जो है मेरी जगह जेल की कोठरी में है जबकि मैं चला गया हूँ, प्लीज़ डोंट वीप फॉर मी। और साथ वो अपनी माँ को अब कह रहे हैं कि मदर देखें, प्लीज़ आप मेरे लिए मत रोइए, माई डेथ मे हेल्प ब्रिंग बेटर डेज फॉर ऑल आवर पीपल, कहता है हो सकता है मेरी मौत जो है मेरे लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर दिन लाने में मदद कर सके, कि मेरी मौत की वजह से क्या पता हालात अच्छे हो जाएँ। नरेटर, अब किस्सा गो हमें बता रहा है, सो पेथिस बिगन हिज जर्नी इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इस तरह मतलब पेथिस ने अपनी मदर की बात नहीं मानी और वक्त काफ़ी था, और उस काफ़ी वक्त में उसने अपना सफ़र दोबारा से वापस आने का शुरू किया। बट बैड लक स्ट्रक हिम ऑन द वेरी फर्स्ट डे, लेकिन क्या हुआ कि पहले दिन ही उसे बदकिस्मती ने मार डाला। एट ट्विलाइट, ट्विलाइट होता है शाम का जो अंधेरा होता है ना, झटपट ऐसा शाम की हल्की हल्की रोशनी, ऐसी वॉक्ड अलोन अ लोनली स्ट्रेच ऑफ वुडलैंड, वुडलैंड कहते हैं जंगल को, अ रफ वॉइस कॉल्ड, क्या कहता है कि जब शाम के रोशनी में वो जा रहा था तन्हा, स्ट्रेच ऑफ वुडलैंड फैले, दूर तक फैले हुए गैर आबाद जंगल में से गुजर रहा है, और क्या हुआ है, अ रफ़ वॉइस कॉल, तो एक बड़ी ही रफ़ यानी कि अजीब सी ड्रोनी सी भूंडी सी आवाज़ उसे आई है, फर्स्ट रोबर, पहला जो रोबर है लुटेरा है, नॉट सो फास्ट डियर, कहता है कि इतनी तेज़ी से नहीं, यंग मैन स्टॉप, यानी कि एकदम से उसने आवाज़ दी है कि इतनी तेज़ी से मत जाओ, नौजवान ठहरो। पेथिस आगे से कह रहे हैं, स्टारलेट चौंक, एकदम से चौंक गया है ना, चौंक कर कहते हैं ओह व्हाट इज़ इट, कहते हैं ये क्या है, व्हाट डू यू वांट, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो एकदम से परेशान हो गया क्योंकि पहले ही वो जल्दी में जा रहा है। सेकंड रोबर, अब जो दूसरा लुटेरा है, वो क्या कहता है, योर मनी बैग्स, कहता है हम तुम्हारा पैसों का थैला चाहते हैं, उसने पूछा ना तुम क्या चाहते हो, तो पेथिस कह रहा है माई मनी बैग्स, कहता है मेरे पैसों का थैला, आई हैव ओनली दिस स्मॉल बैग ऑफ कॉइन्स, कहता है मेरे पास तो सिर्फ ये छोटा सा सिक्कों का एक थैला है, आई शेल नीड डेम फॉर सम फेवर्स, कहता है कि मुझे जो है ना मरने से पहले कुछ लोगों को देने हैं, पिरहैप्स बिफोर आई डाई, शायद मेरे मरने से पहले, कहता है मरने से पहले कुछ लोगों को ना मैंने ये देने हैं। फर्स्ट रोबर, अब पहला लुटेरा, व्हाट डू यू मीन,
बिफोर यू डाई, कहता है क्या मतलब है कि तुम्हारा मरने से पहले, वी डोंट मीन टू किल यू, ओनली टेक योर मनी, कहता हमें तुम्हारा, वो समझ रहे हैं लुटेरे कि हम, वो उनकी बात कर रहे हैं ना कि लुटेरों से कत्ल हो जाएगा, तो वो लुटेरे कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारी जो है मनी लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। पेथी जब उन्हें क्या कह रहा है, आई विल गिव यू माई मनी, कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूंगा, ओनली डोंट डिले मी एनी लोंगर, कहता है लेकिन मुझे मज़ीद अपने पास मत रोको, आई एम टू डाई बाई द किंग्स ऑर्डर 3 days फ्रॉम नाउ, कहता है कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक अब से 3 दिन के बाद मुझे मरना है, इफ़ आई डोंट रिटर्न ऑन टाइम, कहता है अगर मैं वक्त पर ना पहुँचा, माई फ्रेंड मस्ट डाई इन माई प्लेस, तो मेरे दोस्त को मेरी जगह मरना होगा। फर्स्ट रोबर, अब पहला लुटेरा क्या कह रहा है, अ लाइकली स्टोरी, कहता है कि वही एक सुनी सुनाई कहानी, व्हाट मैन वुड बी फूल इनफ टू गो बैक टू प्रिजन रेडी टू डाई, कहता है कितना ही बेवकूफ़ आदमी है कि मरने के लिए तैयार होकर जेल जा रहा है, मतलब अपने मरने के लिए रेडी हो गया है और वापस जा रहा है। सेकेंड रॉबर, अब दूसरा जो लुटेरा है वो कह रहा है, एंड व्हाट मैन वुड बी फूल इनफ टू डाई फॉर यू, कहता है और वो भी क्या आदमी है जो तुम्हारे लिए मरेगा, मतलब कहता है कौन इतना बेवकूफ़ होता है कि तुम्हारे लिए वो मर जाएगा। तो फर्स्ट रॉबर, पहला लुटेरा कह रहा है, वी विल टेक योर मनी, ऑल राइट, कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी रकम ले लेते हैं, एंड वी विल टाई यू अप वाइल वी गेट अवे, और कहते हैं हम टाई यू, टाई होता है बांध देना, कहते हैं हम तुम्हें बांध देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। पैथिस क्या कह रहे हैं, बेगिंग उनसे इल्तजा कर रहे हैं, नो नो आई मस्ट गेट बैक टू फ्री माई फ्रेंड फेड, आई मस्ट टू बैग, कहता है कि इल्तजा कर, मिन्नत करते हुए, नहीं नहीं मुझे अपने दोस्त को रिहा कराने के लिए ज़रूर वापस जाना है, और ये कि मैं ज़रूर वापस जाऊँगा। नरेटर अब किस्सा गो कह रहा है, बट द टू रोबर्स टुक पेथिस मनी, टाइड हिम टू अ ट्री एंड वेंट ऑफ एज फास्ट एज दे कुड। अब हुआ क्या है कि वो दोनों जो लुटेरे थे उन्होंने पेथिस से उसके पैसे ले लिए, टाइड हिम टू अ ट्री, और एक दरख्त के साथ उसे बांध दिया, एंड वेंट ऑफ, और वो वहाँ से रवाना हो गए, एज फास्ट एज दे कुड, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से वो जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये कहीं हमारे पीछे ना आ जाए, ना पकड़ ना ले हमें, इसलिए उसको बांध कर गए हैं। पेथिस स्ट्रगल्ड टू फ्री हिमसेल्फ, अब पेथिस ने क्या किया है कि खुद को आज़ाद कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ही क्राइड आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे देर तक चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बट नो वन ट्रेवल्ड थ्रू दैट लॉनसम वुडलैंड आफ्टर डार्क, लेकिन वहाँ जो है ना, कहता है उस अंधेरे में, नो वन ट्रेवल्ड, कोई भी मुसाफिर थ्रू डैट लॉनसम, उस तन्हा जगह, जंगल की तन्हाई में से, इस अंधेरे में से नहीं गुजरा, क्योंकि रात भी हो गई है, शाम भी हो गई है, और जंगल भी है, और कोई दूसरा मुसाफिर वहाँ से नहीं जा रहा। द सन हैड बीन अप फॉर मैनी आवर्स बिफोर ही फाइनली मैनेज्ड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉप्स दैट हैड टाइड हिम टू द ट्री। अब क्या हुआ है, सूरज निकले जो है ना, कई घंटे हो चुके थे, आखिर ही फाइनली मैनेज्ड, आखिरकार उसने क्या किया, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करा लिया फ्रॉम द रोप्स, उन रस्सियों से, दैट हैड टाइड हिम टू द ट्री, जिन रस्सियों की मदद से उसे जो है दरख्त के साथ बांधा गया था। ही ले ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर लेटा था, हार्डली एबल टू ब्रेथ, और बामुश्किल ही वो सांस लेने के काबिल था, क्योंकि वो कल से, पिछली रात से जोर लगा रहा है अपने आप को आज़ाद कराने का, तो उस कोशिश में वो काफ़ी ज़्यादा निढाल भी हो गया है। नरेटर अब हमें जो किस्सा गो है क्या बयान कर रहा है, आफ्टर अ वाइल पेथिस गॉट टू हिज फीट, कहता है थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद पेथिस जो है अपने पाँव पर खड़ा हो गया, वीक एंड डिजी फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट एंड ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, ही सेट ऑफ अगेन। अब उसकी हालत क्या हुई हुई है, वीक, वो
कमज़ोर हो गया है, एंड डिजी, डिजी कहते हैं ना हल्के हल्के से चक्कर आना, फ्रॉम हंगर, क्योंकि एंड थर्स्ट, भूख से और प्यास से उसे चक्कर भी आ रहे हैं और वो वीकनेस भी फील कर रहा है। और उसने जो ये कोशिश की है अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश, उसमें वो ना काफ़ी ज़्यादा निढाल हो गया है। आखिर ही सेट ऑफ अगेन, वो दोबारा से रवाना हुआ। डे एंड नाइट ही ट्रेवल्ड विदाउट स्टॉपिंग, अब दिन और रात वो रुके बगैर जो है सफ़र करता रहा। Desperately trying to reach the city in time to save Damon's life. हर हालत में उसने कहा कि शहर जाने की कोशिश किए बगैर, इसलिए कि वो वहाँ जाकर अपने दोस्त Damon's की जो ज़िंदगी है वो बचा सके। Music up and out, अब क्या होता है, मौसीकी थोड़ी सी बुलंद होती है और ख़त्म हो जाती है। नरेटर किस्सा को अब कह रहा है, ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, हाफ एन आवर बिफोर नून, दोपहर होने से तकरीबन आधा घंटा पहले, Damon's हैंड वर टाइट बिहाइंड हिज बैक, अब Damon's के जो हाथ हैं वो उसकी पीठ के पीछे बांध दिए गए हैं, एंड ही वॉज टेकन इन टू दी पब्लिक स्क्वेयर, और उसे अवामी चौक पर जहाँ पर सब लोग चारों तरफ इकट्ठे हैं वहाँ ले जाया गया है। दी पीपल मटर्ड एंग्रीली एज Damon वॉज लेट इन बाय दी जेलर, पीपल जो लोग हैं, मटर्ड होता है मुँह में कुछ बड़बड़ाना, गुस्से से नाराज़गी से बड़बड़ा रहे हैं, एज Damon वॉज लेट बाय द जेलर, जब Damon को वो जेलर जो हैं दारोगा वहाँ लेकर पहुँचे हैं। तो देन द किंग एंटर्ड, उसके बाद वहाँ पर बादशाह जो है दाखिल होता है, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बैठ जाता है ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, बहुत ही ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। साउंड, अब आवाज़ें आई हैं, क्राउड वॉइस इन एंड होल्ड अंडर सिंगल वॉइस, अब क्या है कि हजूम की आवाज़ें बुलंद आती हैं और एक अकेली आवाज़ पर आकर गालिब हो जाती हैं, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हैं तो लोग कुछ ना कुछ वहाँ पर बोली जा रहे हैं। अब हमारा शुरू होता है सीन नंबर 8, जो कि हमारे इस प्ले का लास्ट सीन भी है। सोल्जर, सिपाही क्या कहता है जो सब आवाज़ों पर गालिब हो गई है, लाउड, ऊंची आवाज़ में, लॉन्ग लिव द किंग, के बादशाह जो है ना जिंदाबाद, इस तरह की आवाज़ लगाता है। फर्स्ट वॉइस, पहली आवाज़ आती है लो आहिस्ता से, यानी कि लोग इकट्ठे हैं ना, द लॉन्गर ही लिव्स द मोर मिजरेबल आवर लाइव्स विल बी, कहता है कि जितना अरसा ये ज़िंदा रहेगा ना उतनी ही हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब करता रहेगा, हल्की आवाज़ में किसी ने ये बात कही है। किंग, बादशाह क्या कह रहे हैं, लाउड मोकिंग, ऊंची आवाज़ से मजाक उड़ाते हुए, वेल Damon योर लाइफ टाइम इज़ नियरली अप, कहता है Damon तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त ना अब ख़त्म होने के करीब है, वेयर इज़ योर गुड फ्रेंड Pethys नाउ, कहते हैं तुम्हारा अच्छा बेहतरीन दोस्त Pethys अब कहाँ है, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं ऊंची आवाज़ में। Damon फिल्म, अब बिल्कुल आखिरी वक्त उसकी डेथ का आ गया है, फिर भी वो फिल्म है, यानी कि डटा हुआ है, मजबूत है अपने इरादे पर, कहते हैं आई हैव फेथ इन माई फ्रेंड, इफ़ ही हैज़ नॉट रिटर्नड आई एम सर्टेन इट इज़ थ्रू नो फॉल्ट ऑफ हिज ऑन, कहता है कि मुझे अपने दोस्त पर यकीन है कि अगर वो नहीं लौटा है ना, वापस नहीं आया, तो इसमें ज़रूर उसकी अपनी गलती कोई नहीं होगी, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि हालात कुछ ऐसे हो गए होंगे या किसी मजबूरी की वजह से वो यहाँ नहीं आया, और मुझे अभी भी अपने फ्रेंड पर यकीन है। किंग, अब बादशाह क्या कह रहे हैं, मोकिंग, मजाक उड़ाते हुए, द सन इज़ आलमोस्ट ओवर हेड, कहता है सूरज जो है बिल्कुल सर पर आ गया है, द शेडो इज़ आलमोस्ट एट द नून मार्क, कहते हैं जो शेडो यानी कि साया जो है बिल्कुल दोपहर होने की निशानदही कर रहे हैं, एंड स्टिल योर फ्रेंड हैज़ नॉट रिटर्न टू गिव बैक योर लाइफ, और कहते हैं अभी तक तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी वापस करने के लिए, वापस देने के लिए वापस नहीं आया। Damon अब क्या है, बिल्कुल क्वाइट खामोश हो गया है, आई एम रेडी एंड हैप्पी टू डाई इन हिज प्लेस, क्या कहा, अभी भी उसने लास्ट टाइम पे कहते हैं कि मैं उसकी जगह मरने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हूँ। किंग, अब बादशाह जो है हार्श, वो एकदम ना खुशगवार हो गया है ना, एंड यू शेल, और कहता है एंड यू शेल Damon, कहता है Damon तुम मरोगे भी, जेलर को कह रहा है लीड द प्रिजन टू दी, एकदम से उसने कहा कि इस कैदी को ना ले जाओ, मतलब बता रहे कि वहाँ इसको फांसी के फंदे तक ले जाओ, ये बात कहना चाह रहा है, कंप्लीट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, साउंड, क्योंकि आवाज़ें आई हैं, क्राउड वॉइसेस, हजूम में से आवाज़ें अप
टू आर रोर। हजूम की आवाज़ें जो है ना वो एक गरजदार हद तक बुलंद होती हैं, देन अंडर, उसके बाद नीचे हो जाती हैं। और वो किस तरह की आवाज़ें आई हैं, कैसी आवाज़ आई है? फर्स्ट वॉइस, पहली आवाज़ आती है ओवर नॉइस, शोर में से। लुक इट्स पैथिस, कहते हैं देखो ये पैथिस है। सेकंड वॉइस, अब दूसरी आवाज़ आई है ओवर नॉइस, उसी शोर में से। पैथिस हैज कम बैक, कि पैथिस जो है वापस आ गया है। पैथिस ब्रीथलेस, ब्रेथलेस है कि उसका सांस जो है ना वो फूला हुआ है या उखड़ा हुआ है। लेट मी थ्रू डैमन, कहता है कि मुझे गुजरने दो। डैमन अपने दोस्त को भी आवाज़ दे रहा है और लोगों को भी कह रहे हैं कि मुझे गुजरने दो यहाँ से। तो डेमन अब वहाँ पहुँच के एकदम से उसने दोस्त को, डेमन ने भी देखा तो उसने भी आवाज़ दी। वो पैथिस, पैथिस कहता है थैंक्स, थैंक द गॉड्स आई एम नॉट टू लेट, कहता है कि शुक्र है अल्लाह का कि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई। डेमन आगे क्या कह रहा है, क्वाइट सिंसेयर, डेमन जो है बिल्कुल चुप है और सिंसेयर, यानी कि वो अपने दिल से कह रहे हैं ना कि पुरखलूस है मेरा दोस्त मेरे साथ। कहता है आई वुड हैव डाइड फॉर यू ग्लैडली माई फ्रेंड, कहता है कि मैं तुम्हारी जगह खुशी से मर जाता ना, खुशी खुशी तुम्हारी जगह मैं मर जाता। क्राउड वॉइसिस, अब जो हजूम की आवाज़ें आ रही हैं, लाउड डिमांडिंग, लाउड बहुत ऊंची भी आ रही हैं, और डिमांडिंग होते हैं मुतालबा करने वाली, बुलंद आवाज़ से वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, सेट देम फ्री। सेट देम फ्री का मतलब है कि इन्हें आज़ाद करो, सेट देम बोथ फ्री, के इन दोनों को आज़ाद करो बादशाह से। अब वो जो हजूम है, जो उसका क्राउड है, वो बादशाह को कह रहे हैं कि आप इन दोनों को अब आज़ाद कर। अब बादशाह जो है वो भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था ना, तो किंग अब हैप्पी एकदम खुश हो गया है और खुश होकर क्या कह रहे हैं, पैथिस व्हाट मेड यू टेक सो लॉन्ग, कहता है कि आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगा। अ बिट मोर डिले एंड योर फ्रेंड वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड होता है कि फांसी का फंदा लग जाना। कहता है कि तुम अगर थोड़ी सी भी देर और करते ना तो तुम्हारे दोस्त को हम फांसी पर चढ़ा देते। पैथिस क्या कह रहे हैं, योर मेजिस्ट्री, जनाबे आला, आई वुड हैव बीन हेयर इन द मॉर्निंग बट फॉर दोज टू रोबर्स, कहता है कि मैं यहाँ पर सुबह को ही पहुँच चुका होता लेकिन वो दो लुटेरों की वजह से। अब किंग बादशाह जो है अलर्ट, एकदम चौकस चौकन्ना हो गया, होकर कहता है रोबर्स लुटेरे, व्हाट रोबर्स, कौन से लुटेरे? तो पैथिस बता रहे हैं टू रोबर्स इंटरसेप्टेड मी लास्ट इवनिंग ऑन माई वे हियर, कहते हैं कि दो जो लुटेरे हैं उन्होंने मुझे यहाँ आते हुए मेरा रास्ता रोक लिया था। दे टुक दी मनी बैग फ्रॉम मी एंड टाइड मी अप टू आर ट्री डिस्पाइट माई बैगिंग टू लेट मी गो, कहता है कि उन्होंने मुझसे पैसों वाला बैग ले लिया और मुझे एक दरख्त के साथ बांध दिया बावजूद इसके कि मैं उनसे जो है अपने जाने के लिए मुतालबा करता रहा या उनकी जो है मन्नत समाजत करता रहा। किंग अब आगे से कह रहा है, ओ सुनकर ना, हाउ डिड यू मैनेज टू अनटाई योर सेल्फ, अनटाई होता है अपने आप को खोलना, के कहता है बादशाह कि तुमने अपने आप को कैसे खोला। पैथी सब बता रहे हैं योर मेजेस्टी, जनाबे आला, आई स्ट्रगल्ड दी होल नाइट टू अनटाई माई सेल्फ, कहता है कि मैं पूरी रात अपने आप को खोलने की कोशिश करता रहा, लकीली खुशकिस्मती से वन नॉट, कि एक गिरा जो है गॉट लूजेंट, वो लूज हो गई, वो ढीली हो गई, एंड आई वॉज एबल टू अनटाई इट, तो मैं इस काबिल हुआ कि मैं इसे खोल सका। किंग आगे से बादशाह कह रहा है आई शेल सी टू इट दैट दोज रोबर्स एंड कैच्ड एंड पनिश्ड, कहते हैं कि मैं उन दो जो लुटेरे हैं उनको मैं ज़रूर देखूंगा, उनको पकड़ूंगा, सज़ा दे सकूंगा मैं उन्हें। दे नियरली किल्ड एन इनोसेंट मैन, कहता है कि वो तकरीबन उन्होंने तो एक मासूम आदमी को मार ही डाला था, यानी कि उसकी जगह अगर डैमन मर जाता तो बादशाह ने कहा वो तो मार ही डालने वाले थे एक मासूम आदमी को। क्राउड वॉइसिस, अब हजूम की, क्योंकि पूरा लोग वहाँ जमा हैं, सब लोगों ने भी ये किस्सा सुना है, तो लोगों की क्या आवाज़ें आई हैं, लाउड डिमांडिंग, ऊँची आवाज़ से मुतालबा कर रहे हैं। सेट देम फ्री, सेट देम बोथ फ्री, कि इन्हें आज़ाद करो, इन दोनों को आज़ाद करो। किंग बादशाह आप क्या कह रहे हैं लाउड ऊंची आवाज़ में, पीपल ऑफ द सिटी, कहते हैं ए शहर के लोगों, क्राउड वॉइसिस आउट, तो एकदम से हजूम की आवाज़ें जो है ना वो आउट हो जाती हैं, यानी कि रुक जाती हैं जब बादशाह बोला है। नेवर इन ऑल माई लाइफ हैव आई सीन सच फेथ एंड फ्रेंडशिप, कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ही ऐसा यकीन और दोस्ती जो है ना वो कभी नहीं देखी। सच लॉयलिटी बिटवीन मैन,
कहता है कि दो आदमियों के दरमियान इतनी ज़्यादा वफादारी, देयर आर मैनी अमंग यू हु कॉल मी हार्श एंड क्रूअल, कहता है कि तुम में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे हार्श कहते हैं यानी कि जालिम कहते हैं और जाबिर कहते हैं, बट आई कैन नॉट किल एनी मैन हु प्रूव्स सच स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू फ्रेंडशिप फॉर अनदर, कहता है लेकिन मैं ऐसे किसी भी आदमी को कत्ल नहीं कर सकता जो दूसरे के लिए इतनी ताकतवर और सच्ची दोस्ती जो है वो साबित करे। डेमन एंड पेथेसिस, आई सेट यू बोथ फ्री, कहता है कि डेमन और पेथेसिस मैं तुम दोनों को जो है ना आज़ाद करता हूँ। रोर और रोर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम क्राउड, अब क्या होता है कि हजूम में से ना रजामंदी की मतलब लोग खुशी के कहके लगाते हैं उसकी आवाज़ें आती हैं। आई एम किंग, कहता है मैं बादशाह हूँ। आई कमांड अ ग्रेट आर्मी, कहता है कि मेरे पास जो है ना इतनी बड़ी फ़ौज को कमांड देता हूँ, हुक्म देता हूँ। आई हैव स्टोर्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस ज्वेल्स, कहता है कि मेरे पास जो है ना सोने और कीमती जवाहरात के स्टोर्स हैं, पूरे ज़खीरे हैं। बट आई वुड गिव ऑल माई मनी एंड पावर फॉर वन फ्रेंड लाइक डेमन और पिथिस, कहता है कि मैं अपनी सारी जो है ना आई वुड गिव ऑल माई मनी, मैं अपनी सारी दौलत दे सकता हूँ एंड पावर और मेरे सारे इख्तियारात फॉर वन फ्रेंड के एक दोस्त के लिए लाइक डेमन और पेथिस के, जो डेमन और पेथिस की तरह जो अगर कोई दोस्त होना तो उसके लिए मैं अपनी सारी रकम और अपने सारे जो हैं मेरे ताकत इख्तियारात वो मैं कुर्बान कर सकता हूँ एक सच्चे दोस्त के लिए। साउंड, अब किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं? रोर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम क्राउड अब ब्रीफली एंड आउट, कि उस हजूम में से रजामंदी की आवाज़ें थोड़ी देर के लिए आती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि लोग उसे किंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। म्यूज़िक अप एंड आउट, थोड़ी सी मौसीकी बजती है और ख़त्म हो जाती है। दी एंड, और यहाँ पर इस लेसन का प्ले का एंड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है।